देखिए, आज हम लोग बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्टली सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आ ही जाता है लगभग हर साल। और वो क्वेश्चन है क्या, रेनिन और रेनिन के बीच में। ये नीट में भी कई बार आ चुका है मेडिकल एग्जामिनेशन में, चूंकि ये दोनों एक ही जैसा दिखता है ना। जब हम बोलते हैं तो ये होमोफोन्स की तरह सेम साउंड करता है, एक ही तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, रेनिन एंड रेनिन। जो लेकिन जो डिफरेंस है वो स्पेलिंग का है, आर ई डबल एन आई एन इज रेनिन एंड एक है हमारा आर ई एन आई एन इज रेनिन। तो इसे आप थोड़ा सा समझ लें शॉर्ट में, बहुत ही इजीली मैंने इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में, ताकि आप चाहे वो आप किसी भी क्लास में हो, अकॉर्डिंग टू आप उसको लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 10th, 10th, 10th और क्लास 10th, मतलब जूनियर क्लासेस में भी आईसीएससी की अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके काम भी आएगा। वहाँ 9th की बुक में भी इस चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जो एक चैप्टर है हमारा, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कंपोनेंट है, और अगर इसे डिस्कस करें सिंगल एन वाले को तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, कंपोनेंट है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब ये 100% एक एंजाइम है, आर ई डबल एन आई एन रेनिन, और ये हमारा एक क्या है, हार्मोन है, जो कहीं ना कहीं यूरिन फॉर्मेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो इसका ओरिजिन है, जहां से ये सिक्रीट हो रहा है, या यूं कह सकते हैं जहां ये बन रहा है, ये इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारे स्टमक में है, और उस सेल का नाम, जिस सेल के कारण या जो सेल ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इस एंजाइम का, वो मैंने यहां लिख दिया है लास्ट पॉइंट में ग्रीन पेन से, सिक्रीटेड फ्रॉम पेप्टिक सेल, जिसे हम जाइमोजेन भी कहते हैं। एंड इधर अगर आप देखिए दूसरी तरफ, तो इट इज सिक्रेट फ्रॉम किडनी, मतलब 10th लेवल पे हम सिंपली किडनी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हायर क्लासेस की बात करिए, या आईसीएससी की बात करिए, या आईएससी बोर्ड की बात करिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जेजीएसएल, जिसको हम लोग जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल भी कहते हैं, या जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस सेल भी कहते हैं। तो ये 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन 10th के लिए हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट्स हैं, ताकि आपके लिए ये चीज समझना आसान हो जाए कि जो हमारा रेनिन और रेनिन के बीच का डिफरेंस क्या है। मतलब इन शॉर्ट, डबल एन वाले रेनिन और सिंगल एन वाले रेनिन के बीच में क्या डिफरेंस है। थर्ड, जो हमारा रेनिन है ये मोस्टली इन्फेंट्स में मतलब प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो भी इन्फेंट में, इसीलिए क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है, तो लगभग 1.25 साल तक वो मेनली मिल्क पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो मिल्क की जो प्रोटीन है कैसीन, उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारा डबल एन रेनिन करता है, डबल एन वाला रेनिन करता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, इट इज अ मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो कैसीन को ये ब्रेक करता है। कैसीन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। जबकि इधर आप देखिए तो ये हमारे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये जो हार्मोन है हमारा, जो किडनी के स्पेसिफिक सेल से सिक्रीट होता है, वो यूरिन फॉर्मेशन में आर्टेरियल जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसको, वो उसके प्रेशर को एक्चुअली में रेगुलेट करता है। उसके बाद रेनिन का जो दूसरा नाम है वो काइमोसिन है, जबकि इसका जो दूसरा नाम है वो है एंजिनोटेंसिनोजेन। ये रैस मैकेनिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आर कैपिटल ए और एस, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म या सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। वो फर्दर आप जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जहां हम किडनी की बात करेंगे, जहां हम यूरिन रेगुलेशन की बात करेंगे, जहां हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, वहां उस इस रेनिन को बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे ढंग से हम एक्सप्लेन करके उसका वीडियो एक अलग से मैं डाल दूंगा। तो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम फॉर द क्लास 10th और द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईएससी या आईसीएससी बोर्ड हो। सीक्रेट फ्रॉम इन्फेंट, और यहाँ ये यंग या एडल्ट पर्सन में यूरिन बनने के लिए हमारा जो रेनिन है, सिंगल एन वाला जो एक हार्मोन है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियोस हर उन बच्चों तक पहुंच सके जो फ्री एजुकेशन के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं, और होपफुली ये आपके बहुत काम आएगा। लाइक जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, मैं एक्टिव रहता हूँ, आपके सारे डाउट पूरी कोशिश के साथ मैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।